नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो सिलाई मशीन का पैडल के बारे में है। इस पैडल से हम लोग सिलाई मशीन का जो मोटर होता है दोस्तों, उसका स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी की रिपेयरिंग आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर 3 पिन होता है दोस्तों, ठीक है। ये 2 पिन जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका एक प्लग है और ये देखिए ये मशीन में जाता है और ये लाइन में जाएगा, ये इसका पैंडल रहा। तो जब हम लाइन देते हैं तो इसमें से 2 हमारा यही लाइन यहाँ से डायरेक्ट आउट होता है और 1 लाइन जो होता है इस पैंडल के थ्रू निकलता है। तो इसे हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, तो इसे हम लगा देते हैं अपने सीरीज बल्ब टेस्टर में। ये देखिए ये हमारा सीरीज बल्ब टेस्टर है, यहाँ पर देखिए हम इसका प्लग को इस तरह से लगा देंगे और ये ख़राब है तो हम लोग कैसे पता करेंगे क्या ख़राब है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं डायरेक्ट लाइन, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइन चेक करने के लिए इस तरह से हम लगाएंगे, तो ये बल्ब देखिए डायरेक्ट जल रहा है और ये पैंडल से नहीं जल रहा, ये डायरेक्ट जल रहा। और एक क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और फिर दबा कर देखेंगे, लेकिन देखिए ये काम नहीं कर रहा। और यहाँ से भी हम लगा कर चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसे खोल कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसे खोलने के लिए देखिए कोई स्क्रू नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ आपको देखिए यहाँ पे एक लॉक है, एक लॉक यहाँ पे है। तो आपको सावधानी से क्या करना होगा, इसे देखिए इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर डालिए और थोड़ा सा इस तरह से पुश कीजिए, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये निकल गया इधर से, और उसी तरह से इधर भी हम लोग करेंगे। तो ये निकल आया और इसे देखिए यहाँ पे हम खोल देंगे। जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से आपको लगाना भी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, जो हमारे रेगुलेटर फैन का जो ये होता है कंट्रोलर होता है दोस्तों, वही चीज़ है, वही डीमर इसमें भी लगा हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, वो BT136 है जो AC वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक पैंडल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वॉल्यूम लगा हुआ है, वेरिएबल कंट्रोल लगा हुआ है, जिसकी मदद से वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करते हैं। तो इसे अभी खोल कर देखते हैं, सर्किट को खोलेंगे तब पता चलेगा। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं दोस्तों, इसका जो गेट होता है उस पर हमें वोल्टेज चेक करना है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम वोल्टेज को चेक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा आ रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा BT136 है उसके बेस में यानी गेट में हम देखेंगे, चेक करेंगे वोल्टेज को। ये देखिए यहाँ पर सटाने से क्या होता है, हमारा बल्ब जो है वो जलता भी है और कभी बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वोल्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, 245 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यही वोल्ट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइका के, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन थोड़ा कम है, ये रिटर्निंग वोल्टेज के चलते ये बल्ब हमारा जल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आया है, ये देखिए यहाँ से। तो यहाँ भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वोल्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 100 वोल्ट होना चाहिए। और यहाँ पे वोल्टेज देखिए कहाँ से आया है, ये हमारा देखिए ये जो वेरिएबल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे वोल्ट नहीं है और यहाँ भी वोल्ट नहीं है दोस्तों, अब हम यहाँ से चेक करेंगे वोल्टेज को। तो यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट आ रहा है और बल्ब भी हमारा जल गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल होता है कि नहीं इससे, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल हो रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें
ड्राई सोल्डिंग का ही प्रॉब्लम है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने वोल्टेज को कम करके रखा है, अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं बेस में कितना वोल्ट आ रहा है। अब जैसे देखिए मीटर में दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतना वोल्ट नहीं आना चाहिए, इसका आधा वोल्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ड्राई सोल्ड है दोस्तों, यहाँ देखिए सटाने से ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, और यहाँ का जो वोल्टेज है देखिए, देखिए वोल्टेज कम हो गया। तो इसमें हमें पता यही चला दोस्तों, इसका जो बेस होता है दोस्तों, ये ट्राइका का जो बेस है वो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसको करंट मिला है और वो करंट इसके थ्रू जा रहा है दोस्तों, ये वेरिएबल के थ्रू जा रहा है। और यहाँ पे जो वेरिएबल लगा हुआ दोस्तों, ये देखिए ये वाला पिन से यहाँ से होता हुआ इसको मिल रहा, और यहाँ पे देखिए कुछ छूने से क्या होता है कि ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, यानी कि यहाँ पे ज़रूर ड्राई सोल्डिंग है। आपको शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये बराबर पुश होता है तो इसका जो पिन होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि ड्राई सोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से काम नहीं करता। तो हम अभी इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है, अब हम देखते हैं ये हमारा सर्किट जो है वो काम करता है कि नहीं। तो इसे पहले लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एसी वाला वोल्टेज है दोस्तों, लाइन मारने का भी डर हो सकता है। तो दोस्तों हमने इसे लगा दिया है, अब हम चेक करते हैं, लाइन को हम लगा लेते हैं दोस्तों पहले। तो ये देखिए ये हमारा तेज जल रहा है, अब हम इस स्लाइडर से कम बेसी करके देखते हैं होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा सही से काम कर रहा है, यानी कि इसमें लूज कांटेक्ट था दोस्तों, क्योंकि ये वेरिएबल जो होता है दोस्तों ये बराबर अप डाउन होता है स्पीड के लिए, तो यहाँ पे ड्राई सोल्डिंग का चांस हो सकता था, तो हमने वहाँ पे ठीक कर दिया दोस्तों, अभी ये सही से काम कर रहा है। तो आप भी इसी तरह से इस तरह के पैंडल को आप बना सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को।